के मन की गांव खुलने में बड़ा समय लगता है। इन शिक्षाओं का गुरुदेव ने जीवन भर पालन किया, इसी कारण वे प्रवचन कला में अद्वितीय बनकर चमके। गुरुदेव ने व्याख्यान सामग्री का संग्रह भी खूब किया। परिश्रमी तो वे थे ही, अद्भुत आत्मविश्वास और मनोबल के धनी भी थे। आवाज बड़ी सरस, स्पष्ट, सुरीली और तीक्ष्ण थी। प्रवचन में उनके उत्साह वर्धन के लिए श्री तपस्वी जी मसाद जाते थे। बाद में वाचस्पति गुरुदेव का पदार्पण होता। उनके आने पर धर्म सभा का रंग अपने यौवन पर आ जाता। व्याख्यान के क्षेत्र में उस युग में उनका कोई सानी नहीं था। सभी रसों पर उनका एकाधिकार था। हजारों की भारी भीड़ उनका प्रवचन सुनने उमड़ती और फिर हांसी तो उनका सुपोषित क्षेत्र था। वहां तो हजारों की रौनक होती थी। उस चातुर्मास में संवत्सरी पर उन्होंने निरंतर 8 घंटे प्रवचन दिया था। ऊपर से आसमान बरसता रहा, नीचे वे। परंतु शुरू में जब गुरुदेव प्रवचन प्रारंभ करते तो कुल 3-4 श्रावक ही सामायिक किए होते। भीड़ धीरे धीरे बती थी, इसलिए कथा का तार भी नहीं बंद पाता था। वे पूरी तैयारी करके जाते, पूरे जोश से सुनाने का मन होता, पर थोड़े से श्रोताओं को देखकर मन ठंडा पड़ जाता। एक दिन उनके उदास चेहरे को देखकर वाचस्पति गुरुदेव ने मन के भावों की भांप लिया और खुद ही फरमाने लगे, श्रावकों की क्यों फिक्र करता है, चिंता न कर। आज यदि तेरी कथा में 3 श्रावक आते हैं तो वो भी समय आएगा जब 3,000 भी आया करेंगे। ये सुनकर गुरुदेव का मन खिल गया। फिर इस विषय में कभी सोचा ही नहीं कि श्रोता कितने हैं। श्रोताओं की संख्या गुरुदेव की दृष्टि में सदैव गौण रही है। प्रवचन क्षेत्र में गुरुदेव ने अपने जीवन काल में जिन बुलंदियों को छुआ है और जितनी जनता को आकर्षित किया है, वह उत्तरी भारत क्या संपूर्ण भारत के स्थानकवासी समाज में एक मिसाल है। कई कई हजारों की भीड़ में कई बार जब गुरुदेव प्रवचन शुरू करते तो प्रारंभ में अपने गुरुदेव की स्तुति करके मानो उसी गुरु